शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये लीजिए। मम्मी जी को देख के ये आंटी इतना क्यों डर गई? ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर आंटी जी जानबूझ के अपना चेहरा पल्लू से छुपा रही हैं? पर क्यों? क्या वो इन्हें जानती हैं? आप ये खाना ये देखिए, हम घर में पल्लू नहीं लगाते हैं, तो आप भी अपना पल्लू हटा दीजिए। वो मेरा बेटा मुझसे बहुत साल पहले बिछड़ गया। कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, पर आप लोगों से मिलकर उम्मीद हुई कि दुनिया में अच्छाई भी है, इसलिए उम्मीद जागी और मैंने मन्नत रखी है कि अपने बेटे को देखने के लिए पल्लू हटाऊंगी। पता नहीं, मैंने देख के कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें आवाज भी अजीब है, शायद हमारा वहम होगा। ये आखिर हो क्या रहा है? पहले बुआ जी को इनको देख के थोड़ा अजीब लगा और अब मम्मी जी को, और इन आंटी का बर्ताव भी कुछ अजीब सा ही है। आखिर है कौन ये? सब लोग नीचे खाना खा रहे हैं, जो काम करने आई हूँ ना फटाफट कर लेती हूँ। अच्छा हुआ ये हमने सबको पहले ही खाने में व्यस्त कर दिया, अब हम खुद ही जाकर खुद ही पता लगा लेंगे कि इस औरत का इस घर में आने का असली इरादा क्या है। भर के खाना दिया तुम्हें, उसी थाली में छेद कर रही हूँ। बताओ बताओ क्या चोरी किया तुमने? चोरी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चुराया मैंने। झूठ मत बोलो, बताओ क्या चुराया तुमने? क्या हो गया है? देखो खुद अपनी आंखों से देखो ना, जिसे तुमने इस छत के नीचे जगा दी, उसने इस छत के नीचे रहकर चोरी की है। चोरी मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। झूठ, सफेद झूठ। श्रद्धा श्रद्धा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा इसे अलमारी से कुछ चुराते हुए, तू खुद देख लो। भिकारन को घर पे लाके रखिएगा तो यही होगा ना, इन जैसे लोगों को हाथ दो तो ये हाथ ही खींच लेते हैं। कैसी बातें कर रही हो तू कीर्ति, एक बार उन्हें कुछ कहने का मौका तो दे। मौका ही क्यों देना, और अगर इन्हें चोरी नहीं करनी थी तो ये तुम्हारे और अभय के कमरे में आई ही क्यों, बताइए। आंटी जी, ये क्या छुपा रही हैं आप? कुछ भी नहीं है, दिखाइए। बचपन की तस्वीर, ये
आंटी जी, आप इस कमरे में ये चुरा रही थी? क्या बच्चा, मेरा बेटा बहुत साल पहले मुझसे बिछड़ गया था। ये तस्वीर बिल्कुल उसके जैसे दिखती, बिल्कुल उसके जैसे। उसके पास थोड़ी सी यादें ही है, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। उसे रहा नहीं गया, वो मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। आप सब चाय पी लीजिए, मैं ताई जी को बुलाकर लाती हूँ। हमें चाय नहीं चाहिए, हम आप सबसे कुछ पूछना चाहते हैं। ताई जी, पूछना क्या है, आप बस आदेश कीजिए। हम आप सबका हमारे लिए प्यार और आपकी परवाह समझते हैं, लेकिन हम आपसे विनती करना चाहते हैं, हमें कुछ दिनों के लिए घर से दूर जाने दीजिए। भाभी, अगर हम में से किसी की बात का भी आपको बुरा लगा हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाभी। अरे नहीं भाई साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाभी, तो फिर आप हम सबको छोड़ के काहे जा रही हैं? माना कि आपकी बहू की जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप। तनुजा, हमने हमारा परिवार खोया है और कीर्ति ने अपना पति खोया है। हम दोनों को वक्त चाहिए हमारे मन की शांति के लिए। हम कुछ दिनों के लिए जाना चाहते, जब दिलीप जी गए तो हमारा बेटा हमारा सहारा था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे। इस घर के हर कोने में उन दोनों की यादें जुड़ी हैं। अगर हम यहाँ रहे ना तो हम अंदर ही अंदर मरते रहेंगे, इसीलिए हमें जाने दीजिए। मगर ताई जी, हम सब हैं यहाँ आपके साथ। आपको हमारी कसम, हमें जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि कुछ दिनों में सही सलामत घर लौट आएंगे। भाई जी, आपको जहां जाना आप जाइए, और सारा इंतजाम हम करेंगे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।